टंग डायग्नोसिस, ये एक बहुत अच्छा मेथड है टीसीएम के अकॉर्डिंग, और वैसे भी और इजी भी। बाकी मेथड्स भी हैं बट ये काफी इजी मेथड है जो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करके और उस पे काम कर सकते हैं। टंग क्या होती है? द टंग इज ए सेंस ऑर्गन फॉर टेस्टिंग। इट मूव्स द फूड अराउंड द माउथ टू हेल्प विद द च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन स्पीक एंड कीप्स द एयरवेज ओपन व्हेन ब्रीथ। इन सभी चीजों में टंग का यूज होता है और टंग के बिना ये पॉसिबल भी नहीं है। टंग का ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे है? ऑब्जर्वेशन ऑफ द टंग इज ए पिलर ऑफ डायग्नोसिस बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्लियरली विजिबल क्लूज टू द पेशेंट डिसहारमोनी। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है आफ्टर ट्रीटमेंट, वो सारा आपको टंग डायग्नोसिस से इजीली मिलता है। मतलब आप अपडेट्स देख सकते हो कि आपने क्या ट्रीटमेंट दिया था, उसका क्या बेनिफिट हुआ है, ट्रीटमेंट के बाद क्या बेनिफिट हुआ है, क्या जरूरी है, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। द ओनली गुड लाइटिंग इज द नेचुरल लाइट। इफ यू सी ए पेशेंट ऑन ए क्लाउडी और डार्क डे, यू शुड टेक द पेशेंट टू स्टैंड राइट नेक्स्ट टू द विंडो और इवन आउटसाइड इफ नेसेसरी। द सेम अप्लाइज इफ यू वर्क इन ए रूम विदाउट विंडोज। यू कैन नॉट डू टंग डायग्नोसिस इन ए डार्क रूम। द टंग विल लुक मच डार्कर देन इट रियली इज। एक्चुअल में टंग डायग्नोसिस आपको नेचुरल लाइट में करनी चाहिए, ना वो मोबाइल की लाइट हो, ना वो कोई टॉर्च की लाइट हो। नेचुरल लाइट में आपको एक्चुअलिटी दिखती है। अभी आप लोगों ने पिछले कई दिनों में जो विजयन सर ने हम लोगों के प्रैक्टिकल सेशंस करवाए, जो प्रैक्टिकल हम लोग पेशेंट के ट्रीटमेंट रूम में जब देखते हैं तो उसमें जो फोटो खींची हुई होती हैं और जो नेचुरल हम लोग देखते हैं उनमें कितना डिफरेंस दिखता है, दिखता है ना? चाहे आप किसी भी कैमरे से फोटो खींच लीजिए, जो नेचुरल आपको दिखती है नॉर्मल लाइट में उसके कंपैरिजन में आपको फोटो कैमरे में डिफरेंट दिखेगी। तो इसलिए रिकमेंडेड यही होता है कि आप नेचुरल लाइट में टंग डायग्नोस करें, ना कि किसी ट्यूबलाइट या किसी और लाइट में। करने को आप कर सकते हैं बट फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आपने येलो लाइट यूज करी है तो क्या डिफरेंसेस दिखने चाहिए, किस किस परसेंटेज लेवल तक दिखने चाहिए, या अगर आप ट्यूबलाइट में कर रहे हैं तो अगर वाइटनेस दिख रही है तो किस लेवल तक आप उसको इग्नोर करेंगे और किस लेवल के बाद आप उसको ट्रीटमेंट के तौर पे देखेंगे कि हाँ ये डायग्नोसिस में इतनी लाइट दिख रही है। फिर टाइमिंग, लेट द पेशेंट स्टिक आउट ऑफ द आउट द टंग नो लॉन्गर देन अबाउट 15 to 20 seconds। लॉन्गर देन दैट द टंग विल बिकम डार्कर एज द पेशेंट टू पुट द टंग बैक इन एंड देन आउट अगेन। यू कैन डू दिस सेवरल टाइम्स। टंग को बाहर निकालना है 15 से 20 सेकेंड के लिए। 15-20 सेकेंड से ज्यादा अगर आप करेंगे तो टंग को एक डार्क कलर आने लगेगा, और अगर ऐसा होता है तो उसको बोलेंगे कि आप वापस टंग को अंदर कीजिए और फिर से निकालिए। तो जब ये प्रोसेस आप करेंगे और फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे होने लगेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको कोई ट्यूबलाइट की जब टंग मिलेगी तो आप उसको डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे कि आप नेचुरल लाइट में देखते हैं तो वो टंग कैसी दिखेगी, और वही सेम टंग जब आप ट्यूबलाइट में देखेंगे या आप कोई येलो लाइट में देखेंगे तो कैसी दिखनी चाहिए। तो डिफरेंशिएट भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टंग आपको ऐसे ही भेजेंगे ऑनलाइन तो वो आपको नहीं पता होगा कि नेचुरल लाइट में लिया गया है या रूम लाइट में है या मोबाइल के फ्लैश से है। टंग डायग्नोसिस की स्ट्रेंथ क्या है? जरूर टंग गिव्स द ट्रू पिक्चर रफली 98% टाइम। टंग हमें क्या दिखाती है? टंग गिव्स द ट्रू पिक्चर रफली 98% ऑफ द टाइम। 98% हमें सही चीज दिखाती है। किस चीज की? यिन है यांग है, दो चीज ये दिखाएगी।
एक्सयू, एक्सयू मीन्स डेफिशिएंसी, और SHI आपको जहां मिलेगा वहां आप समझ जाइएगा कि ये एक्सेस कंडीशन की बात कर रहे हैं। एक्सयू इज डेफिशिएंट एंड शी इज एक्सेस, तो यिन यांग या डेफिशिएंसी की कंडीशन दिखाती है और हॉट एंड कोल्ड की कंडीशन दिखाती है। और क्या दिखाती है? द प्रोग्रेस और लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कैन बी मॉनिटर्ड। डिजीज में क्या प्रोग्रेस हो रही है, या हमने उस डिजीज को ट्रीट किया है तो उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसके बाद क्या इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो जैसे द पर्पल बॉडी कलर इज एक्सपेक्टेड टू बिकम लेस पर्पल, अगर पर्पल बॉडी कलर था पहले तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लेस पर्पल दिखेगा अब। तो ये हम मॉनिटर कर सकते हैं टंग पे। द टंग विदाउट कोटिंग इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप ए कोटिंग, जिस टंग पे कोटिंग नहीं होगी अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस पर कोटिंग डेवलप होनी चाहिए। ए थिक कोटिंग इज एक्सपेक्टेड टू बिकम थिनर, अगर थिक कोटिंग आ रही है टंग पे तो वो थिन होनी चाहिए। इट इज इजियर देन पल्स डायग्नोसिस, ऑल्सो मोर ऑब्जेक्टिव। पल्स डायग्नोसिस से बहुत ईजी है ये, पल्स डायग्नोसिस बहुत टफ है बट ये बहुत ईजी है। केवल आपको देखना है, अपने आप में करेक्शन आप रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। द टंग डज नॉट ऑल, लिमिटेशंस भी हैं टंग की। द टंग डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ए कंडीशन, हर एस्पेक्ट की कंडीशन को टंग नहीं दिखाती है। अब आप लोग जो हैं थोड़ा अपर लेवल में आ गए हैं इसलिए मैंने ये लिमिटेशंस भी बताई। इन लीवर ब्लड डेफिशिएंसी विद लीवर ची स्टैग्नेशन, अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है विद लीवर ची स्टैग्नेशन, द टंग विल ऑफन रिफ्लेक्ट द फॉर्मर बट नॉट द लेटर। अगर दोनों चीजें हैं तो एक ही चीज दिखेगी जो पहले हुई होगी। डू नॉट एक्सपेक्ट द टंग टू रिफ्लेक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पैथोलॉजी, टंग से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो पैथोलॉजी की सारी रिपोर्ट्स आपको बना के दे देगा। तो डोंट ओवर एक्सपेक्ट, रिपोर्ट्स की बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग अलग चीजों के अलग अलग तरह के डायग्नोसिस सिस्टम को यूज करके कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप अगर टंग डायग्नोसिस जानते हैं तो सब चीजें आप जान जाएंगे। आप टंग है, पल्स है, फेस है, इंटरोगेशन है, अगर ये सारे ही एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो आपको किसी पैथोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज ए लैक ऑफ डिटेल, एग्जाम्पल दैट इज थिक स्टिकी येलो कोटिंग ऑन द रूट शोज डैम्प हीट। थिक स्टिकी येलो कोटिंग रूट पे अगर दिख रही है तो डैम्प हीट इन द लोअर बर्नर दिखाती है ना, बट नॉट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। अब लोअर बर्नर में हमने पूरे में कह दिया तो लोअर बर्नर में तो अदर अदर आपके वो है सब मल्टीपल ऑर्गन से, तो कौन से ऑर्गन में वो डैम्प हीट है ये आपको टंग डायग्नोसिस से नहीं पता चलता है। वो भी जब आप काफी डीप लेवल पे चले जाएंगे तो पता चलने लगेगा, बट इनिशियली आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो लोअर एब्डोमेन में है तो लोअर बर्नर में है, कौन से ऑर्गन में है, इंटेस्टाइन में है या किडनी में है, कहाँ है, यूबी में है, कौन से चैनल में है, या आप केवल वो पता कर पा रहे हैं अभी तक जो डैम्प हीट है। क्यों? आपने थिक स्टिक की और येलो कोटिंग देखी तो आपको समझ में आ गया कि वो डैम्प हीट है या ह्यूमिड हीट है। डैम्प हीट, ह्यूमिड हीट, टर्बाइड हीट, ये सेम चीजें हैं। इसलिए पल्स डायग्नोसिस में क्या होगा, पल्स डायग्नोसिस कैन क्लैरिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डैम्प हीट, दैट इज डैम्प हीट इन द ब्लैडर प्रेजेंट्स विद ए वायरी पल्स इन द लेफ्ट ची पोजिशन। अगर डैम्प हीट ब्लैडर में होगी तो वायरी पल्स मिलेगी आपको लेफ्ट साइड के ची पोजिशन पे। इन डैम्प हीट इन द इंटेस्टाइन द पल्स इज वायरी ऑन द बोथ ची पोजिशन। तो अब आपने देखा डिफरेंस कितना आ गया पल्स और टंग में। टंग की एक लिमिटेशन थी कि वो डैम्प हीट को केवल ये बता रही है कि वो लोअर एब्डोमेन में है या लोअर बर्नर में है, और वही आप जब आप पैरेलली पल्स डायग्नोसिस में चेक करेंगे तो आपको ये तक पता चल जाएगा कि वो ब्लैडर में है या इंटेस्टाइन में है।
सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द टंग डायग्नोसिस बट डोंट शुड ऑल्सो लर्न पल्स फॉर बेटर डायग्नोसिस. बट पल्स डायग्नोसिस को भी छोड़ना नहीं है क्योंकि पल्स डायग्नोसिस आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देगा, डीप चीज देगा. पल्स आप टंग पे, जैसे आपने पल्स पे ट्रीट कर लिया इस कंडीशन को, सपोज यही कंडीशन है, डैम्प हीट आपने देखा कि वो बर्नर में है, आपने ट्रीट किया और नेक्स्ट डे टंग में आपने देखा या सेकेंड नेक्स्ट डे देखा, तो आपको उसमें डिफरेंस दिखने लगा. तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है. आप बार बार पल्स ना भी देखें तो भी पता चल जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है. लेकिन इनिशियली आपको ये जानना है कि वो किस में है. अब सपोज अगर वो ब्लैडर में ना होती और वो आपके इंटेस्टाइन में होती तो क्या होता, आप ब्लैडर को ट्रीट करते रहते, इंटेस्टाइन की डैम्प हीट नहीं निकलती, तो आपकी जो डायग्नोसिस थी वो फेल हो जाती, जिससे आपका ट्रीटमेंट फेल हो जाता. तो उस ट्रीटमेंट को परफेक्शन पे लाने के लिए दोनों चीज जरूरी है. क्लियर है? आज क्लास में कोई बोल ही नहीं रहा है. जी हाँ नहीं सर, क्लियर सर, है, क्लियर ये है सर सर. फॉर्मल है जो लेटर वाला जो एक एक करके बोलो, एक एक करके. लिवर ब्लड है, तो लिवर ब्लड एफिशिएंसी एंड फिर लिवर ची स्टैग्नेशन जो हुआ वो जो हाँ पहले हुआ उसको बताएगा, बाद वाला जो बाद में और वर्स्ट हुआ केस वो नहीं बताएगा ऐसे। नहीं, अगर लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है विद लीवर ची स्टैग्नेशन, तो ब्लड डेफिशिएंसी ची स्टैग्नेशन की वजह से होगी, तो वो ची स्टैग्नेशन दिखाएगा, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसके ऊपर की कोटिंग चेंज हो जाएगी, वो पर्पल कोटिंग हो जाएगी. अगर पूरी पर्पल कोटिंग हो जाएगी तो आपको नीचे की ब्लड डेफिशिएंसी दिखेगी ही नहीं. ओके हाँ, और जो अगर कारण लीवर, बनेगा वो अगर दिखे। आप लोगों ने कई टंग ऐसी भी देखी थी जिसमें टंग में ऊपर का हिस्सा आपको लीवर ब्लड डेफिशिएंसी दिख रहा था, और नीचे से जब देख रहे थे तब पता चल रहा था कि यहाँ पे स्टेग्नेशन या स्टेसिस है, और ऊपर टंग नॉर्मल दिख रही थी. देखे थे ना भी आप लोगों ने केसेस ऐसे. तो जिस चीज को पहले लाया जाएगा वो दिख जाएगी, जो बाद में आएगी वो उसकी कोटिंग अगर नीचे से है तो नहीं दिखेगी आपको. आप क्लियर नहीं हो पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई. उन केसेस में आपको जहां कंफ्यूजन लगे वहां आप पल्स का सहारा लेके अपनी डायग्नोसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है? सर जब तक पल्स डायग्नोसिस नहीं सीखते हैं एंड वी हाँ रिलाय ओनली ऑन टंग डायग्नोसिस, हाँ हाउ टू ट्रीट? तो अगर आपने सपोज अभी टंग डायग्नोसिस करी हुई है, पल्स नहीं करी है, तो आप क्या करेंगे? जब आपके सामने डैम्प हीट कंडीशन आई, आपने लोअर बर्नर में देखा, तो आप डैम्प हीट की कंडीशन में डैम्प हीट का ट्रीटमेंट देंगे बर्नर में. जब आपने फर्स्ट डे बर्नर में ट्रीटमेंट दिया और आपको अगर पेशेंट से आराम मिला, पेशेंट की टंग पे आपको दिखा कि वो इम्प्रूव हुई है, तब तो आप सही जा रहे हैं. अगर आपको दिखा कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हैं. तो आप नेक्स्ट डे अपना ट्रीटमेंट चेंज करके उसको इंटेस्टाइन वाले पे कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा ओके नेक्स्ट डे कि आप कहाँ पर हैं. फिर आपको हेट एंड ट्रायल करना पड़ेगा ना, ये हो सकता है या ये हो सर, सकता है, या आप इंटेरोगेशन पे आ जाए. अगर तो पेशेंट से अगर आप इंटेरोगेट करेंगे कि उसको किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, उससे अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना के निकालेंगे कि किस चीज के सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. अगर पेशेंट से आपको नहीं पूछना है, कम से कम चीजें पूछनी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. करेक्ट करेक्ट, ओके, है ना? हाँ, या अब क्या एग्जामिन करना चाहिए टंग में? एक तो जीभ की जीवंतता या टंग स्पिरिट या वाइटिलिटी, दूसरा कलर, तीसरा शेप या कोटिंग, या शेप फिर कोटिंग फिर मॉइस्चर. जीव की जीवंतता, रंग, आकार, परत और नमी, ये. और कैसे देखनी चाहिए? इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द टंग सिस्टमेटिकली इन ए सर्टेन ऑर्डर. वन शुड नॉट लेट वंस अटेंशन टू बी ड्रॉन टू डिटेल ऑफ द टंग फर्स्ट. वन मस्ट लुक एट द टंग सिस्टमेटिकली एंड दिस इज द ऑर्डर आई रिकमेंड. बाकी आपकी मर्जी है. हाँ
करना क्यों ये चाहिए ये भी अभी आपको बता देंगे हम आगे, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, आप लोग तो हमेशा शॉर्टकट मारेंगे ही, हमें पता है। बॉडी कलर सबसे पहले देखना चाहिए, बॉडी शेप टंग की, उसके बाद फिर उसकी कोटिंग, फिर मॉइस्चर, फिर शैन। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे पहले कोटिंग, कोटिंग और मॉइस्चर देखते हैं। शेप तो हम भूल ही जाते हैं, कलर फिर भी देख लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो क्यों है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग एट द टंग सिस्टमेटिकली कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। क्यों नहीं करना चाहिए, सही तरीका क्या है पहले तो ये भी जान लें। पहली टंग दिख रही है इसमें हमें अंदर के ऑर्गन्स, लोअर बर्नर दिख ही नहीं रहा ज्यादा, यहाँ पे बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशन दिख रही है, ये यहाँ पे पता चल रहा है। ये जैसे अभी कुछ दिन पहले एक टंग विजयन सर ने दिखाई थी जो स्ट्रेस्ड थी। तीसरा, यहाँ चिल्का हम अगर देखेंगे तो हमें प्रॉपर इंटरनल ऑर्गन्स, आउट तक पूरी टंग, पूरी चीजें, शेप, कलर, सब कुछ सही दिख रहा है। तो हमें टंग इसी वे में देखनी चाहिए। अब बहुत सारी कंडीशन आपके सामने ऐसी आएंगी जहां टंग में इतना दिखेगा ही नहीं आपको, तब क्या करें, क्या करना चाहिए तब। न्यू फोटो किसी का मुंह अगर इतना खुलेगा ही नहीं, अब सपोज ये मूछ वाला जो आदमी है पहला, इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है इससे ज्यादा, तब आप क्या करेंगे। हाँ सर, बहुत पेशेंट आते हैं, बोल ही नहीं पाते। सर पेशेंट नहीं, ये बहुत भी एक ज्यादा बीमारी पेशेंट है। इसी कंडीशन पे आते हैं जिनका मुंह पूरा खुलता ही नहीं है। अभी आप लोगों ने रिसेंट जो ट्रीटमेंट हम लोग सेशन किए हैं उसमें भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों की ऐसी फर्स्ट या सेकेंड टंग ही आती है, उस केस में क्या करेंगे। टंग खींचने की फोटो खींचने के भी तरीके हैं। पहली टंग में फोटो खींची गई है, एक तो उसका माउथ नहीं खुला है, दूसरा टंग के ऊपर फ्लैश आ रहा है। टंग के ऊपर आप अगर फ्लैश कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसकी मूंछों के ऊपर भी फ्लैश है। दूसरी टंग उसने इतनी फोर्सफुली खिलाई निकाली है कि वो एक कर्व्ड शेप दे रही है दोनों साइड से, तो आपकी डायग्नोसिस बिगड़ जाएगी इस केस में। वैसे तीसरी टंग की शेप भी जो है वो भी सही नहीं है, क्योंकि उस पर भी फ्लैश पड़ रहा है, नेचुरल लाइट नहीं है। नेचुरल लाइट में जब आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंस मिलेंगे। तंजीम है, कितने लोग ऐसे हैं यस जिन्होंने फोटोज खींची हैं हम लोगों के सामने, या कोई पेशेंट आया हो तो हम लोगों ने खिंचवाई हैं, उन लोगों ने ये मैंने डिफरेंस खींची है सर देखा एक। होगा कि जब आप नेचुरल फोटो देख रहे हो टंग की और जो फोटो खींच के ला रहे हो उनमें कितना डिफरेंस है, होता है ना डिफरेंस। होता है तो अब देखते हैं क्यों, क्या दिखता है हमें टंग पे, क्यों हमें ये सीक्वेंस देखना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द टंग, सबसे पहले हम जब बॉडी कलर देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। जब हम कलर देखते हैं तो हमें दिखती है हीट और कोल्ड है, यिन या यांग की डेफिशिएंसी है। कलर से जो हमें पता चलता है वो क्या पता चलती है, हीट और कोल्ड कंडीशन, यिन और यांग की डेफिशिएंसी, एक्सेस नहीं, यिन और यांग की डेफिशिएंसी, हीट और कोल्ड का नेचर टंग का क्या आ रहा है। जब हम शेप देखते हैं तो हमें दिखता है शेप से कि डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, दैट इज शी, कि डेफिशिएंट कंडीशन का शेप हमें बताता है कि डेफिशिएंट है या एक्सेस है। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो टंग के कलर से ही देख लिया करते थे, टंग के मॉइस्चर से देख लिया करते थे, होता था ना ऐसा। जबकि टंग की शेप आपको बताएगी कि टंग में डेफिशिएंसी है या एक्सेस है, कैसे बताएगी वो भी अभी आगे बताएंगे। कोटिंग क्या बताती है, कोटिंग सबसे पहली चीज बताती है आपके स्टमक की कंडीशन, दैट इज फू, फू में स्टमक, कोटिंग जो बनती है वो बनती है स्टमक से, तो वो बताती है स्टमक की कंडीशन।
दूसरा बताती है स्टोमक की हीट या कोल्ड, स्टोमक का डेफिशिएंसी और एक्सेस टाइप, क्योंकि कोटिंग हमारी कहां से बनती है? स्टमक से, स्टमक स्टमक से। तो हमें से। ये सीक्वेंस देखने से क्या फायदा होगा? अगर हम लोग पहले कोटिंग देख लेते हैं तो क्या डिसाइड कर लेते हैं कि वो यिन डेफिशिएंट है या यांग डेफिशिएंट है, हीट है या कोल्ड है, ये तो कर लेते हैं ना। जबकि कोटिंग बताती है उसके स्टमक की कंडीशन को, स्टमक में हीट है या कोल्ड है, डेफिशिएंट है या एक्सेस है, और कोटिंग है या नहीं है तो उसके स्टमक की कंडीशन क्या है। जबकि बॉडी कलर बताती है कि वो पूरी बॉडी के अकॉर्डिंग हीट में है या कोल्ड में है, या यिन डेफिशिएंट है या यांग डेफिशिएंट है। क्लियर है ता? जी सर, यस सर। नए लोग भी बताते चले हैं, क्योंकि नए लोगों में ज्यादा डाउट होंगे, इन लोगों के चक्कर में ना, ये लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं, रंजना जी हैं? नहीं है। अभी तो समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा भाई, तो पूछ रहे हैं। क्या मतलब बॉडी जैसे कलर जैसे हो गया हीट और आपने टंग कोल्ड। निकाली, तो यहां पर हम जो बॉडी कलर की बात कर रहे हैं वो टंग के बॉडी कलर की बात कर रहे हैं। टंग हाँ जी, की बॉडी मतलब पूरी टंग जो है उसका कलर, जैसे यहाँ दिया है एक पिंक दिया है, एक ब्राउन दिया है, एक रेड दिया है, ये दिए हैं 3 तरह के कलर। हाँ जी, ये पूरी टंग है, इस पूरी टंग का या तो ये कलर होगा या ये होगा या ये होगा या कोई भी एक कलर तो होगा। वो टंग जी का कलर सर। से ये है, ये इस टंग का एक कलर है, टंग का कलर, टंग की कोटिंग, टंग के क्रैक, इनके कलर की बात नहीं कर रहा हूं। एक टंग का कलर, पूरे टंग का कलर कैसा है, कैसा है? सर फिर उसमें यिन यांग डिफिशियंसी का कैसे पता चलेगा अभी किस अभी कलर अभी से। आगे इतना मत भागिए, अभी बता रहा हूँ। यिन यांग मैंने कहा, यिन यांग आपको पता है, यिन डेफिशिएंट है या यांग डेफिशिएंट है, वो कैसे है वो अभी बताएंगे, जी सर, वहां तक मत पहुंचे, अभी सब बता रहे हैं। ठीक है सर, फिर समझ आ जाएगा। इतना समझ में आया अभी? हाँ जी, हाँ जी, सबसे पहले कलर देखेंगे, कलर देख के हमें ये पता चलेगा कि हीट या कोल्ड है, यिन या यांग डेफिशिएंट है। शेप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो डेफिशिएंसी कंडीशन में है या एक्सेस कंडीशन में है। कोटिंग देखेंगे तो उससे पता चलेगा स्टोमक की कंडीशन क्या है, वो हॉट है या कोल्ड है, एक्सेस है या डेफिशिएंट है। इतनी चीज क्लियर है? जी अब आते हैं मॉइस्चर। सर। टंग के ऊपर जो मॉइस्चर होता है वो क्या बताता है? स्टेट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी के, पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, स्टमक की नहीं, पूरी बॉडी में बॉडी के फ्लूइड्स की कंडीशन कैसी है, ज्यादा है, कम है, सूखा हुआ है, क्या चीज है, वो टंग का मॉइस्चर बताता है। प्लस वो मॉइस्चर ये भी बताता है कि हॉट कंडीशन है या कोल्ड कंडीशन है, यिन डेफिशिएंट जी है या यांग डेफिशिएंट है। हम लोग इन्हीं इसी से खाली पूरी टंग को जान लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जो काम हमें यिन यांग पूरी बॉडी के जानने के लिए, कलर, अगर बॉडी कलर, टंग बॉडी कलर चाहिए तो टंग बॉडी कलर में देखना चाहिए। फिर आते हैं शेन ऑफ टंग। शेन का मतलब क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो, और अब तो बहुत लाग हो गया। सेन तो सर ऐसे बोल रहा था। जिसे हम लोग एक स्प्रिट भी कहते हैं ना, वाइटलिटी, स्प्रिट, वो अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो बेसिक लेवल था कि आपकी टंग कैसे बाहर निकली। जब आप फोटो देखेंगे तो उसमें तो ये कह ही नहीं सकते कि कैसे निकली थी, मुझे क्या पता कैसे निकली थी, निकली भी थी कि नहीं निकली थी या जबरदस्ती निकाली थी, कह सकते हैं ना। जी सर, जी अब आप पता चला पाएंगे कि उसकी टंग की शेन पोजीशन क्या है, दैट इज स्प्रिट कैसी है। अगर डल समझ है टंग, अगर डल है
डल टंग पहचान लेते हैं ना आप लोग, इतना तो पहचान लेंगे ना, देख के आपको पता हाँ चलेगा जी कि सर, उसके अंदर जान नहीं है, जैसे वहां पर लगेगा नो शैन। दूसरी टंग ऐसी है विद लेस्चर्स, मतलब जिसमें कोई लाइट कोई रिफ्लेक्शंस कुछ दिख रहा हो, दैट इज विद शैन, उसके अंदर शैन है मतलब वाइटलिटी है, बेजान मतलब नहीं। अगर वो ड्राई 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 की जैसे बात है, नहीं करी, एक्स्ट्रा ड्राई ड्राई की बात तो मॉइस्चर में लाइट, चली जाएगी, ड्राइनेस तो मॉइस्चर में आ जाएगा। डल मतलब निर्जीव टाइप की, जिसका कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा हो, कोई उसके अंदर फंक्शनैलिटी नहीं नजर आ रही है, किसी तरह की कोटिंग नहीं नजर आ रही है, वो डल। और सर जैसे कोई टंग निकालते वक्त वो उनकी टंग कांपती है, थर 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 ऐसे होती है, तो फिर वो क्या वो जान उसमें समझी जाएगी या क्या होगा सर? वो तो क्वेरिंग टंग होती है, ची डेफिशिएंसी होती है, अच्छा अभी आएगा आगे वो भी आएगी, क्वेरिंग टंग भी आएगी। अगर हम जी, इस इंडिकेशन से होती है क्या सर, उसमें मैं सोचता चीज, हूँ सर बिंड बड़ी है सर, उसमें बिंड बड़ी होती है नहीं ची डेफिशिएंसी होती है? नहीं ची डेफिशिएंसी भी होती है और विंड बढ़ने के कारण भी होता है, बट दोनों सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, ये अभी आपको पहचानना आएगा जब आगे की चीजें पढ़ेंगे तब, कि कब विंड बढ़ी हुई दिख रही है, कब आपको टंग में केवल क्वेरिंग दिख रही है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं बॉडी कलर हमें जांग की पोजीशन बताता है और कोटिंग हमें फू की पोजीशन बताता है, तो दोनों मिला के जांग फू हो जाते हैं। जहां पर टंग की लेफ्ट और राइट पोजीशन लिखी होगी वहां पर आप लोगों को पेशेंट की लेफ्ट और राइट देखनी है, अपनी लेफ्ट और राइट नहीं देखनी है, ठीक है? इतना तक समझ में आ गया? पिछली बार से कुछ नया मिल रहा है क्या? सर हाँ ज्यादा थोड़ा समझ में आ मिल रहा है पिछली गया। बार से। फाइव सर नंबर्स नया, फाइव नंबर सेम। सर सेम तो सर एसेंस को भी बोलते हैं, या एसेंस नहीं लिया है यहाँ पे? यार एसेंस भी तो उसी के पास होगा ना जिसके अंदर वाइटलिटी होगी, जब वाइटलिटी नहीं बचेगी तो एसेंस का क्या होगा? सही है सर। तो हम टंग से एस्पेक्ट क्या कर सकते हैं? टंग शेन हमें क्या बताती है? गुड और पुअर प्रोग्नोसिस, कैसी कंडीशन हमारी टंग की आ रही है, उसकी प्रोग्नोसिस में क्या आएगा वो हमें पता चलता है। बॉडी कलर से हमें क्या पता चलता है? टंग बॉडी के कलर से जांग ब्लड यिंग ची, सुना है किसी ने ब्लड यिंग ची? नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना? आप लोगों ने इसका मतलब क्लास नहीं करी है, जब आपने फूड ची और वो सारी ची पढ़ाई थी तो वो क्लास अटेंड करी थी आपने, जब हम ब्लड फ्लूड जी और वो सब पढ़ा रहे थे, आगे लिख हाँ भी दिया सर, है मैंने, इसीलिए जिंक ची को कंस्ट्रक्शन ची कहते हैं, या आप न्यूट्रिशन ची प्लस प्रोटेक्टिव ची को मिक्स कर देते हैं तब वो जिंक ची आ जाती है। और एट प्रिंसिपल पैटर्न्स के अंदर ये कोल्ड और हीट, यिन और यांग का डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है, शेप बताती है जांग ब्लड और ची की पोजीशन को, दैट इज डेफिशिएंसी और एक्सेस कंडीशन को। टंग कोटिंग बताती है, टंग कोटिंग में कलर बताता है हीट और कोल्ड और फू ऑर्गन्स का, और थिकनेस बताती है स्ट्रेंथ ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर्स और वीकनेस ऑफ बॉडीज ची फू ऑर्गन्स की, दैट इज डेफिशिएंसी और एक्सेस। नहीं समझ में आया होगा? नो सर। टंग की बॉडी का कलर बताता है हमें हमारे जांग की पोजीशन क्या है, जांग क्या होता पता है? ऑर्गन नहीं, ये इन ऑर्गन प्लस ब्लड के अंदर हमारी न्यूट्रिटिव ची और प्रोटेक्टिव ची जो है उसकी कंडीशन क्या है। टंग में हम लोग, आपने अक्सर देखा होगा मैं कहता हूँ आपके ब्लड में डेफी ब्लड की ब्लड ये यिन डेफिशिएंसी है, बॉडी फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन की कमी है,
आप कहते हो हीमोग्लोबिन तो प्रॉपर है, बट हम कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है, तो ये न्यूट्रिशन जो है ये जी वही न्यूट्रिशन है जो आपका यिन डेफिशिएंट बताता है, या यांग का एक्सेस कंडीशन या डेफिशिएंट कंडीशन बताता है, कोल्डनेस है या हॉट हीट है वो बताता है, टंग बॉडी का शेप आपका बताता है, जांग ऑर्गन की कंडीशन, ब्लड की कंडीशन, ची की कंडीशन, कि आपकी ब्लड और ची का क्या डिफरेंस आ रहा है, वो डेफिशिएंट है या एक्सेस है। टंग की कोटिंग बताती है, कोटिंग का कलर, कोटिंग का कलर अगर हीट और कोल्ड बताता है, व्हाइट या येलो बताता है ना। सर जी दिस सर, ओनली कोल्ड होगा तो कोल्ड और येलो सर इन ऑर्गन्स का होगा तो बता हीट होगी। एक जना बोलो, एक जना भाई। हाँ कोल्ड होगा तो कोल्ड होगा तो सर हीट वो भूल गया सर, मैं बताते बता हीट होगी तो येलो होगी और वाइट होगी तो कोल्ड अभी वो होगा। आगे आएगा, वहां तक मत पहुंचो अभी, खाली इतना जानो ना कलर हमें बताएगा हीट और कोल्ड की कंडीशन और फू ऑर्गन्स की कोल्ड कंडीशन। अभी हीट और कोल्ड तुमको या पता है, फी और फू ऑर्गन्स की कंडीशन नहीं पता है कि क्या आएगी। थिकनेस बताएगा, अगर टंग की कोटिंग की थिकनेस क्या बताएगी, कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है या जो उसके पैथोजेंस हैं, उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस कितनी है, वो कितना स्ट्रेंथ रखा हुआ है या कितना वीक है, या नया अभी आया है या पुराना हो गया है, जिसमें बॉडी की ची और फू ऑर्गन्स की कंडीशन पता चलेगी कि एक्सेस वाले टाइप में है या डेफिशिएंट वाले टाइप में है। तो सर इसका मतलब हुआ कि टंग बॉडी हमको यिन का बारे में बताता है और टंग कोटिंग हमको फू यांग के बारे में बताता है। हाँ सर ये 8 principle pattern क्या है सर, व्हाट इज इट? अभी 8 principle पैटर्न विजेंद्र सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, 8 principles क्या होते हैं वो अभी विजेंद्र सर बताएंगे। अभी आपको 5 element के बाद ये सारी चीजें आएंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। टंग कोटिंग, अगर हम उसमें कोटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि टंग में कोटिंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, एक्सटीरियर कंडीशन को बताएगा, प्रोग्रेशन ऑफ पैथोजेनिक फैक्टर्स मतलब एक्सटीरियर कंडीशन है कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, इंटीरियर कंडीशन बताएगा कि उसकी लोकेशन और पैथोजेनिक फैक्टर की कहाँ है क्या है। उसी तरह से आपके रूट का क्या है, टंग की कोटिंग का रूट जो अंदर तक जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडीज ची, पर्टिकुलरली स्टमक एंड किडनी ची। यहाँ आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कब वो रूट पे है और कब वो आगे स्टमक के एरिया में है। अगर कोटिंग पीछे रूट से लेकर और आगे तक है तो वो आपकी किडनी और स्टमक दोनों को बता रही है, अगर वो केवल पीछे है तो वो किडनी ची तो सही है बट स्टमक ची सही नहीं है, और अगर स्टमक ची सही नहीं है तो किडनी ची भी कुछ टाइम में सही नहीं रह जाएगी, और अगर स्टमक ची सही है तो धीरे धीरे करके किडनी ची भी सही हो जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारी किडनी ची सही नहीं है तो क्या करना चाहिए, किसको ट्रीट करना चाहिए? स्टमक को ट्रीट करना अगर किडनी ची सही नहीं है तो सबसे पहले किडनी को ही सही करेंगे, क्यों? जब तक लोअर बर्नर में फायर नहीं होगी, जब तक लोअर बर्नर में प्रॉपर फायर नहीं होगी तब तक स्टमक ची सही ही नहीं हो पाएगी, इसलिए टंग का पर मॉइस्चर क्या। अभी आपने बोला कि स्टमक की इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं रहेगी तो किडनी की भी घट जाएगी। हाँ कब तक, जब तक स्टमक से एनर्जी किडनी तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर किडनी ची काम ही नहीं करेगी तो स्टमक ची भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर फायर ही नहीं जलेगी तो स्टमक में पचेगा कैसे कुछ, इसलिए।
सारे इंटरनली कनेक्टेड हैं, ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ सब चीजें। बट किडनी की प्रेफरेंस हमेशा पहले दी जाती है सभी बर्नरों में। अगर किसी में भी कुछ प्रॉब्लम है और किडनी में अगर प्रॉब्लम है तो पहली प्रायोरिटी हार्ट और किडनी को मिलती है, सबसे पहले हार्ट को, सेकेंड नंबर पे किडनी को, क्योंकि हार्ट तो तुरंत कोलेप्स हो जाएगा और तुरंत आपको डेथ स्टेज पे पहुंचा देगा। किडनी आपको थोड़ा सा टाइम फिर भी दे देगी। मॉइस्चर क्या बताता है? कंडीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ये तो सबको पता है, सबसे इजी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? हाँ हाँ ची यानी पे यहाँ पे कुछ लेवल पे यांग ले रहे हैं ना कि हार्ट की फंक्शनिंग डाउन हो गई तो आप यू कैन सर्वाइव. हाँ, ओके कौन सा ऑर्गन कहाँ आपको टंग में दिखता है? वो उल्टा दिखता है, ह्यूमन बीइंग सर, उल्टा। मूत्र के बारे में थोड़ा बता दो. किसके बारे में? मॉइस्चर के बारे में, टंग का मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या होता है? टंग के ऊपर नमी कैसी है? नमी अगर हाँ जी आपको कम दिख रही है तो हीट कंडीशन होगी, अगर नमी आपको ज्यादा दिख जी रही है तो कोल्ड कंडीशन होगी, लेकिन जब वो एक्सट्रीम हो जाएंगे तो अपोजिट भी हो जाएंगी। वो आपको यिन यांग में पढ़ाया गया था, कब एक्सेस होंगी और कब डेफिशिएंट होंगी। अभी वो सारी चीजें फिर से आप लोगों को 8 प्रिंसिपल में फिर से पढ़ाया भी जाएगा, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जी सर वन मोर डाउट, सर वन मोर हाँ डाउट. हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर स्टमक ची ठीक है, स्टमक ची इज प्रॉपर, बट किडनी ची इज डिफिशियंट. डिफिशियंट आई मीन इन टर्म्स ऑफ कोटिंग, स्टमक कोट इन द एरिया ऑफ द स्टमक कोटिंग इज देयर, बट इन द लोअर बर्नर दैट इज किडनी एरिया देर इज नो कोटिंग, देन ऑटोमेटिकली इट विल कवर किडनी ऑल्सो और शुड बी ट्रीटेड. देखिए, आपके पास अगर पेशेंट आया है तो आपको ट्रीट करना चाहिए, नहीं अगर आप ट्रीट करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिक काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी। आपके ट्रीटमेंट से वो फास्ट हो जाएगी रिकवरी। हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको ट्रीट कर लेती है, बशर्ते आप उसकी कंडीशंस ऐसी रखें कि उन चीज़ों पे आप एक्स्ट्रा बर्डन्स ना दें तो कवर हो जाती है अपने आप। बट आपके पास पेशेंट आया तो आपको ट्रीट करना ही है क्योंकि वो जल्दी सही हो जाएगा। सर, इसीलिए तो आंसर चेंज हो गया था कि स्टमक को प्रायोरिटी देना, बट नहीं, वहां अभी पे वो अगर किडनी और स्टोमक की बात आएगी और अगर हमारी किडनी को ट्रीट करना है, क्योंकि किडनी को ट्रीट करना है तो हमें किडनी को ट्रीट करना पड़ेगा, स्टोमक से नहीं ट्रीट होगी। लेकिन अगर स्टोमक को ट्रीट करना है तो हम किडनी से ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे लोअर बर्नर में फायर ज्यादा है तो हम स्टोमक से ट्रीट कर भी नहीं पाएंगे, फिर हमें तो किडनी को ही ट्रीट करना पड़ेगा। और किडनी में अगर फायर लोअर बर्नर में कम है तो भी हमें किडनी को ही ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि फायर हमें वहीं से बढ़ानी है, स्टोमक से फायर नहीं बढ़ सकती है। स्टोमक के इंटरनल फंक्शंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें उसको देना पड़ेगा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे कोटिंग के लिए आपको फायर ट्रीट नहीं करना पड़ेगा, वहां पे यिन को ट्रीट करना है अगर ना. हमें किडनी की कोटिंग नहीं बन रही है, हाँ तो समझिएगा, अगर हमारी किडनी पे कोटिंग नहीं बन रही है तो हमें स्टमक और किडनी दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी आपके बर्नर में हीट देगी और उसी से आपका स्टमक जो होगा वो प्रॉपर फंक्शन में आएगा। अगर हीट ज़्यादा है तो आपको कम करना होगा, अगर कम है तो बढ़ाना होगा, ये आपको पेशेंट कंडीशन पे डिसाइड करना होगा कि क्या करना है।
लेकिन अगर हमारे स्टमक की कोटिंग नहीं है तो हम स्टमक को भी ट्रीट करके कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टमक का फंक्शन प्रॉपर ना हो, इसलिए ना हो। ये डिफरेंशिएशन तब आएगा जब हम हीट और कोल्ड के डिफरेंशिएशन में आएंगे कि वो यिन की कंडीशन में जा रहा है या यांग की। अगर यांग है तो फंक्शन प्रॉपर नहीं है, अगर यिन है तो उसका फंक्शन प्रॉपर है और उसके पास लिक्विड ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है, तो फायर कैसे हो। तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो सर इसका कहने का मतलब ये है कि लोअर बर्नर में कोटिंग होना कंपलसरी है अगर तभी हम मानेंगे तो। हाँ, अगर आपके तीनों बर्नर में नीचे से ऊपर तक प्रॉपर कोटिंग है, थिन वाइट कोटिंग जिसको कहते हैं, वो अगर है तो ठीक है। थिन येलोइश कोटिंग भी है अगर थिन, तो वो भी ठीक है। लेकिन मतलब थिक वाइट है अगर तो थिक हो नहीं, थिक हो गई तो फिर वो कोल्डनेस कंडीशन आ जाएगी। वो अब सब अभी आगे क्लास कोल्डनेस में में आ चलेगी। जाएगा। अभी इतनी चीज समझ में आ गई, वो जो आगे की चीजें उन तक मत पहुंचो। तुम लोगों ने पढ़ा है दो दो तीन तीन बार, बट ये सोच के बैठो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तब तुम ढंग से पढ़ पाओगे। नहीं तो फिर हम उसी स्टैंडर्ड पे पढ़ाना शुरू कर देंगे तो फिर बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। नहीं सर एक सर, बात हम पढ़ती सर, बनेंगे जैसे कुछ नहीं आता हाँ बिल्कुल वैसे ही सर बने लो कि अभी। नहीं आता। सर जैसे अभी आपने बोला थिन व्हाइट कोटिंग या थिन येलोइश कोटिंग, तो थोड़ा भी येलोइश आते ही दिमाग में वो डैम हीट आता है, क्यों ये आता है? सही थिन सोच रहे हैं कि गलत? थिन अगर कोटिंग है और अगर उसमें स्टिकीनेस नहीं है तो डैम्प कैसे हो गया? हाँ डैम्प डैम्प यूज नहीं अब आप होगा, तभी राइट, करेंगे जब आपको उसमें स्टिकीनेस दिखेगी। स्टिकीनेस होगा, राइट हाँ, राइट येलो एग्जैक्टली कोटिंग में ठीक स्टिकीनेस भी हो तब डैम्प हीट होगी, और स्टिकीनेस के साथ राइट। वाइट है तो डैम्प कोल्ड होगी। वो सब अभी आगे आएगा, वहां तक मत पहुंचे इतना आगे। अभी जितना बताया उतना समझ में आया ना? हाँ जी सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ कौन से ऑर्गन विद्यमान हैं, मतलब कहाँ कौन से ऑर्गन्स हमारी टंग पे दिखते हैं। सबसे नीचे टिप पे हार्ट दिखता है और उसके ऊपर लंग्स। लीवर गॉल ब्लैडर को दोनों साइड देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, कब लीवर इधर आ जाता है कब उधर आ जाता है, वो भी सब बताएंगे। किडनी, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, ये सब पीछे आ जाती हैं। हालांकि इसमें अभी मार्क नहीं है, बट इंटेस्टाइन आपकी यहाँ आ जाती हैं। फीमेल्स में इस जगह पे आपका जब ये छोटा बनता है तो ये यूट्रस भी शो करता है। यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब्स यहाँ भी शो होती हैं। कुछ टंग्स मैंने प्रिजर्व करी हुई हैं, वो दिखेंगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से आपके प्रोस्टेट्स, किस तरह से आपके यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब्स कैसे आप देख सकते हैं। पर आपने क्या छोटा बनता है, मतलब फीमेल के केस में जब ये छोटा बनता है तो यूट्रस फीमेल के केस में छोटा नहीं बनता है जब आपका, जब यहाँ पर कोटिंग या यहाँ पर बल्जीनेस इतनी सी दिख रही है तो ये लीवर गॉलब्लैडर में नहीं जाएगा, ये यूट्रस में चला जाता है। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो ये इसकी कंडीशन बदल जाएगी। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो इसकी कंडीशन बदल जाएगी। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो इसकी कंडीशन बदल जाएगी। वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। आज नहीं, अभी आने वाली सब क्लासों में सब हो जाएगा। अब जैसे कई बार आपको दिखेगा कि ये हिस्सा टंग का ऐसा फूला हुआ है, इतना इधर का नहीं फूला है। हाँ हम कई बार कहते हैं स्टोमक डेफिशिएंट है, कई बार कहते हैं स्प्लीन डेफिशिएंट है, तो कैसे कहते हैं वो आपको बताना है। कब लीवर हमारा स्टोमक पे अटैक कर रहा है, कब वो हार्ट के साथ मिलके अटैक कर रहा है, कब आपका कितना लंग्स पे अटैक कर रही है, सब आपको अभी बताएंगे आगे। हुआ? ठीक है,
अभी ऑर्गन जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो कहाँ कौन से एलोकेट हैं ये समझना आना चाहिए। तो बीच सर में वो स्प्लीन है। हाँ पैंक्रियास का पोजीशन थोड़ा बता। अभी आएगा पेनक्रियाज, आने तो दो अभी, क्यों परेशान हो, हम सब बताने वाले हैं इस बार। ठीक है स्टोमक स्प्लीन या ये मेजर ऑर्गन्स पहले समझ लो, जो फू और जांग में आते हैं वो पहले जान लेने जरूरी है। लीवर गाल ब्लैडर आ गया, किडनी आ गया, ब्लैडर आ गया, स्टोमक स्प्लीन हो गया, हार्ट लंग्स हो गए, ये मेजर ऑर्गन्स हैं जो अपर लोअर और मिडिल जाओ में हैं। अब लीवर गाल ब्लैडर तो तीनों जियाओं में दिख रहा है ना, अभी हाँ आपको आगे समझ में आएगा कि ये तीनों में कैसे होता है। टोपोग्राफी समझे तो टिप पे आपके हो गया, टंग की टिप हो गई, सेंटर हो गया, रूट हो गया और साइड्स हो गई। ये टिप हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रूट हो गया, ये साइड्स हो गई। पांच टंग को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इतना तो सबको पता है। नॉर्मल टंग ऐसी होती है, लेकिन ऐसी भी नहीं होती। इसमें भी देखो रेड डॉट्स दिख रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल टंग नहीं है, बट इससे ज्यादा नॉर्मल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए नॉर्मल मान लीजिए। नॉर्मल किस हिसाब से, कलर के हिसाब से है कोटिंग के हिसाब से है बस, क्योंकि नीचे हार्ट के एरिया में कोटिंग। इतने सारे दाने दिख रहे हैं तो बता रहे हैं हार्ट में हीट है, तो टंग तो नॉर्मल नहीं है, तो और साइड कोटिंग तो में एकदम बल्कि ना, मैस है। हाँ, कोटिंग तो दिख ही नहीं रही जैसे। वो ऐसी ही कोटिंग होती है जो दिखती नहीं है, वही नॉर्मल कोटिंग होती है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये टंग की कोटिंग येलो है या वाइट है, इसमें टंग का नीचे का कलर ऊपर आपको क्लियर दिख रहा है। इसमें सर ये ब्लड स्टमक टेस्ट, एरिया में चाइन काफी दिख रही है ना। अरे अभी हम आपसे डायग्नोसिस नहीं करवा रहे हैं, आप केवल नॉर्मल टंग की तरह नॉर्मल टंग देख लीजिए बस। डायग्नोसिस भी करवाएंगे, बहुत सारी करवाएंगे। सर ये हेल्थी कलर है क्या? हाँ, जिसको पेल पिंक कहते हैं, स्लाइट पेल पिंक, जो टंग का कलर एक्चुअल में होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं, बॉडी कलर पेल रेड या पेल पिंक भी कह सकते हैं आप। बॉडी शेप कैसा होना चाहिए, नॉट थिन, नॉट सॉलन, नॉट स्टिफ, नॉट फ्लैबी, विदाउट क्रैक्स, ये शेप्स में होना चाहिए नॉर्मल टंग में। मतलब ना तो थिन होनी चाहिए, ना थिक होनी चाहिए, ना स्टिफ होनी चाहिए, ना फ्लैबी होनी चाहिए, कोई क्रैक भी नहीं होना चाहिए। कोटिंग थिन वाइट कोटिंग होनी चाहिए, मॉइस्चर स्लाइट मॉइस्ट होनी चाहिए। शैन कैसा होना चाहिए, विद शैन, फ्रेश रेडिएंट ब्रिलियंट जो होता है वैसा, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि वो फ्रेश टंग है। अब पहली वाली टंग देखकर आपको लग रहा है फ्रेश है या दूसरी वाली टंग देखकर लग रहा है फ्रेश है, कौन सी फ्रेश लग रही है? दूसरी वाली फ्रेश लग इंडो रही है पहले, सेकंड सर, दूसरी सर। कोई है जिसे फर्स्ट भी दिख रही है? हाँ ऐसी सूखी भी जैसे नहीं पड़ी है, थोड़ी सी फ्लैश तो पकड़ ही रही है, एकदम सूख गया है वैसी टंग तो नहीं है सर। और अगर हम ये कह फोटो सेकंड में से फ्लैश भी लग रहा है सर, फ्लैश का लाइट आ रहा फोटो है से जैसे सेकंड। हम यू कैन नॉट टेल इट बाय फोटो इट्स वेदर इट इज फ्रेश और नॉट। अगर हम ये कहें कि दूसरी टंग जो है वो इनडेफिशिएंट है तो आप लोग बहुत मानेंगे, पतली हो गई ना। आप लोग मानेंगे या नहीं? हाँ या ना, जब जवाब दीजिए। तो आप पुराने लोग तो इतना बता सकते हैं हाँ कि सर, सेकेंड डेफिशिएंट है या नहीं। टर्म दिख सर रही है, जी सर, दिख कोटिंग रही है डेफिशिएंट, नहीं है, पतली कोटिंग हो गई। नहीं नहीं कोटिंग के नहीं, पतली हो गई तो बहुत। है, कोटिंग तो है, नॉर्मल कोटिंग है। तो अभी आप हाँ लोगों ने ये कहा कि ये टंग जो है ये इसमें शैन है, आप कह रहे हैं कि ये इनडेफिशिएंट है,
मतलब हमने अगर कहा ये इनडेफिशिएंट है तो आपने कहा हाँ है, हम कह देंगे नहीं है तो हाँ नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। किसको टंग ये पतली दिख रही है? सेकेंड अगर वाली लग रही है पतली। अगर टंग इतनी थिकनेस में है तो ये पतली कैसे है? अगर आपको साइड में देखने पे इतनी टंग आपको थिन दिख रही है, तो अगर ये टंग इतनी पतली होती तो आप क्या कहती हैं? ये टंग नॉर्मल है, इस पे जो आपको शाइन दिख रही है जिसकी वजह से आप लोग भ्रमित हो गए हैं, उसके लिए भ्रमित ना हो, वो फ्लैश के कारण भी हो सकती है। और दूसरी टंग जो आपको बिल्कुल ड्राई ड्राई सी दिख रही है वो भी नॉर्मल है, क्रैक्स हैं उसमें छोटे छोटे से, वो अलग चीजें हैं, बट बाकी जो कंडी उसकी टंग की शेप देखिए, शेप वैसे तो दोनों ही टंग नॉर्मल नहीं है। इनकी टंग में अगर आप इधर की साइड देखेंगे तो ये थोड़ा सा उठा उठा सा हिस्सा दिख रहा है, इसकी टंग अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी फैली फैली सी दिख रही है। तो टंग दोनों में से कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि टंग तो पीछे जो दिखाई थी वही नॉर्मल थी, इनके कंपैरिजन में थी तो वो भी नहीं, बट इनके कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि वो ये वाली नॉर्मल थी, इसमें इतने डिफेक्ट नहीं है जितने उसमें दिख रहे थे। दूसरी चीज, अब अगर आप ये टंग देखें तो दोनों टंग सही खींची ही नहीं गई है, क्योंकि दोनों में से एक किसी टंग सेकंड, में चिन दिख रही है, नो तो इसका मतलब ये टंग सही से खींची नहीं गई है, प्लस हमें ऊपर का भी कुछ नहीं दिख रहा है कि ये स्ट्रेस में खींची गई है या कैसे खींची है। तीसरा, हमें इसमें इंटरनल ऑर्गन्स का भी कुछ नहीं दिख रहा है, लोअर बर्नर दिख नहीं रहे हैं, तो ये दोनों टंग्स जो हैं वो रिजेक्टेड हैं। जब आप लोगों के पास आएंगे तो आप लोग कह देंगे कि ये इस टंग में डायग्नोसिस नहीं होगी, ढंग से टंग की फोटो खींच के तब भेजिए। तो कोई भी टंग ऐसे इसका ही देख के डायग्नोज नहीं कर देना है। हाँ बोलिए। अगर सर, इसका मतलब चिन्ह दिखना जरूरी होता है सर। चिन्ह नहीं दिखेगी तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि टंग लॉन्ग है या शॉर्ट है? सर, टंग हाफ चिन तक जब आती है तब वो नॉर्मल होती है, अगर हाफ चिन से ऊपर रह गई तो वो शॉर्ट हो गई, और हाफ चिन से आगे निकल गई तो वो लॉन्ग हो गई, और लॉन्ग हो गई तो हीट हो गई, और शॉर्ट हो गई तो कोल्ड हो गई। ये सब अभी आगे आएगा, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे लोअर बर्नर टोपोग्राफी ऑफ टंग, अभी आप लोगों ने देखी थी बहुत इजीएस्ट वे में ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई किया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हार्ट और लंग्स में, कौन सी हार्ट है कौन सी लंग्स है। पहली टंग दिखा रही है अपर बर्नर, मिडिल बर्नर और लोअर बर्नर। इस टंग में अगर हम पहली वाली में देखेंगे तो ये हमें ये हिस्सा जो है ये रेड दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये आपकी हार्ट हीट है जो आगे के टिप में दिखेगी। और जब यही हीट आपकी इतने बड़े एरिया को ले लेगी तो ये लंग्स हीट हो जाएगी। प्लीज नोट दैट द लंग एरिया इनकम्पासेस द हार्ट एरिया, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो लंग्स के नीचे होता है, इसलिए अगर लंग्स में कोई चीज की प्रॉब्लम होगी तो वो हार्ट के अंदर आपको फील कराएगी जैसे हार्ट में है। टिप का कलर आप खाली देखेंगे तो टिप का देखेंगे तब आपको हार्ट दिखेगा, जब आपको टिप से ऊपर तक दिखेगा तो वो लंग्स में काउंट करेंगे, हार्ट में नहीं। सर एक सेकंड, सो इफ लंग हीट इज देयर वी कैन नॉट कंक्लूड वेदर हार्ट हीट इज देयर और नॉट। अगर लंग हीट है तो ये इस तरह का हीट दिखेगी आपको ऐसे एरिया में, तो ओके, हार्ट ये का हीट कंडीशन क्या है आप सर? कंडीशन में नहीं देखेंगे, हार्ट हीट आप ऐसे देखेंगे, ये आगे का नहीं टिप। सर, माय क्वेश्चन इज अगर लंग हीट है तो
इट विल बी शोन इन दैट होल एरिया. हाँ इन द सेम केस इफ वी वांट टू सी द हार्ट कंडीशन हाउ टू चेक इट. नो यू कैन नॉट चेक इट, हाँ वी कैन नॉट चेक इट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. यू कैन नॉट चेक इट, बट देयर इज ए कंडीशन दैट हाउ कैन यू चेक इट. इफ देयर इज ए हार्ट हीट, इफ देयर इज ए हार्ट हीट, टंग विल बी लॉन्ग एंड थिन. थिन का मतलब यहाँ पे टंग की मोटाई से नहीं है, यहाँ पर जो थिननेस आएगी वो इस तरह से आएगी, मतलब लॉन्ग टंग ये हो जाएगी ऐसे. अगर हार्ट हीट वो होगी हार्ट तो ये फायर, लॉन्ग हो हार्ट जाएगी. फायर ब्लेजिंग. हार्ट फायर ब्लेजिंग तब होगी जब ये टंग की कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ऊपर उठी अगर हुई. टंग ऊपर की तरफ उठ रही है तो हार्ट फायर ब्लेजिंग अपवर्ड होगा, अदरवाइज हार्ट हीट ही कहलाएगी. ओके ये टंग जैसे है, ये टंग अगर हार्ट हीट से बढ़ेगी तो ये ऐसे होगी, अगर ये इसके अंदर फायर ब्लेजिंग होगा तो ये इसका आगे का टिप जो होगा वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तब वो ब्लेजिंग अपवर्ड हो जाएगा. अगर लंग्स हीट होगी तो लंग्स हीट के केस में आपको टंग लंबी नहीं मिलेगी, हाँ क्योंकि लंग्स में उतनी हीट नहीं हो सकती है कि टंग को लंबा कर दे. आपने हार्ट एनलार्जमेंट सुना होगा, स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है सुना होगा, लीवर एनलार्ज सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा कि लंग्स एनलार्ज हो गए. लंग श्रिंक कर जाते हैं, लार्ज नहीं होते हैं, अनलेस कोई ऐसी डिजीज ना हुई हो जिससे हीट एक्सट्रीम हो जाए. लंग्स में ड्राइनेस आ जाएगी जब आपकी हीट आपको अपर इधर बन मिलेगी, आपको अपर बर्नर में, तो ये ड्राइनेस में आएगी. लंग्स की हीट जो होती है वो ड्राई होती है. आप देखिए नीचे वाली टंग जो है वो ड्राई दिख रही है, और ऊपर वाली टंग का टिप जो है वो रेड ऐसा दिख रहा है जैसे उसमें से मॉइस्ट खून निकलने वाला है. एक्सैक्ट. तो ये आइडेंटिफाई करना लंग्स और हार्ट को आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यस ठीक सर है? अब आप लोग इस पे गलती नहीं करेंगे. पक्का एक रंजना जी पक्का. थी जो वो भी नहीं आई यस है. सर. सर आज अचानक रंजना जी के यहाँ गेस्ट आ गए सर. रंजना जी को बड़ा क्रेज था टंग डायग्नोसिस पढ़ने का, वो नहीं कर पा रही हैं. नहीं सर, वो हाँ आ चुकी हूँ. अच्छा आ चुकी अरे है आ गई, वाह. हाँ सर. तो आगे बढ़े. यस यस अब आते हैं हार्ट टिप, लीवर साइड्स, लीवर एंड हार्ट साइड्स एंड टिप, स्टमक एंड सेंटर. पहली वाली टंग आगे से पतली हो गई, हार्ट के केस में आपको ऐसी ही टंग मिलेगी जो ट्रायंगल जैसी होंगी, बिंगो टेढ़े मेढ़े के ट्रायंगल जो होते हैं ना. क्यों है ये ऐसी? आगे से टिप पतला और पीछे से चौड़ी होगी, ये हार्ट की कंडीशन को ही बताएगी, ये लंग्स की कंडीशन को नहीं बताएगी. ऐसी टंग जब होगी ना तब लंग्स की कंडीशन को बताएगी, बशर्ते यहाँ रेड होगा ये. लेकिन लंग्स की कंडीशन वाली टंग ऐसे शेप में होगी. हार्ट की कंडीशन में टंग आगे से पॉइंटेड होती है. अब अगला कंफ्यूजन शुरू होगा बगल वाली टंग देखकर कि वो तो लीवर है, और जबकि ये सेम टंग वही है जो पिछली स्लाइड में मैंने बताई थी हार्ट की, और अब बता रहे हैं लीवर की. नो सर, क्योंकि दैट वाज साइड नॉट सोलन. सोलन है ना, साइड सोलन है इसलिए सर. हाँ हम जो इसमें दिखाना चाह रहे हैं वो वही दिखाना चाह रहे हैं जो आप लोगों ने देख लिया. अब दिखाना ये है कि ये जब आपका यहां तक सोलन हुआ और ये यहां तक सोलन हुआ, और इतने बड़े एरिया जब सोलन होंगे तो ये लीवर केस में आएगा. लीवर के लिए साइड्स पूरी पीछे से लेकर और आगे टिप तक, टिप का मतलब हमने ये हार्ट छोड़ दिया है. अब यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो इसमें हमने हार्ट छोड़ दिया है बस.
अब जब हम इसकी टिप देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि इसकी टिप जो है ये लाल है, दिख रही है ना लाल? लाल यस क्यों है? हाँ सर, बट ये लाल बिकॉज लीवर लिवर लीवर हीट्स, लीवर बिकॉज का हीट हार्ट में। लीवर अपनी हीट जो है वो हार्ट को दे रहा है। क्यों दे रहा है? मदर सन बिकॉज वो मदर है, मदर से हीट मिल रही है, तो लीवर बेचारा जब देगा तो हार्ट को तो लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन आपको देखनी है कि ये लीवर की है। डिफरेंशिएशन करना समझिए कि अगर टिप पर ही केवल है और टिप की टंग कैसे शेप में है, लीवर और साइड्स में अगर देख रहे हैं तो कैसा शेप है। लीवर एंड हार्ट अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अब सर, सेकंड वाली टंग में खाली हम उसके साइलेंसर काम चलाएंगे, उसको कलर में भी जाएंगे, क्योंकि क्या चीज तो सर हीट का मतलब तो रेड। सेकंड सेकंड वाली टंग जो है वाली टंग का मतलब, अगर अगर आपको अभी तक इस चीज के बारे में सॉलिड। नॉलेज नहीं है तो आप केवल उसको हार्ट हीट का ट्रीटमेंट दे देंगे क्योंकि उसकी टिप जो है एकदम नहीं लाल। वो नहीं, जैसे मान लीजिए सर सोलन है ये, यानी आपने बोल दिया उसमें लीवर हीट में जा रहा है, तो हाँ सर इसमें हीट का मतलब कलर भी तो होता है ना, रेड होता है, तो ये एरिया जो लीवर का एरिया है ये भी रेड होगा लीवर के लिए आपका रेड होगा, ये जरूरी नहीं है। लीवर तो मदर ना, है, जरूरी नहीं है। हाँ मदर ने अपने सन को हीट दे दी, मदर तो सेडेट हो गई एक तरह से हीट दे के, और सन जो है वो टोनिफाइड हो गया हीट लेके, इसलिए सन जो है वो जो हार्ट है वो एकदम लाल लाल चमचमा रहा है। जी और लीवर आपको दिखा रहा है कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो यांग डेफिशिएंट है। अब दिक्कत शुरू होगी कि वो यांग डेफिशिएंट कैसे है। जब लीवर का एरिया सॉलन दिख रहा है तो वो कौन सा डेफिशिएंट होगा? जिन डेफिशिएंसी हो गई यिन क्यों होगा यार? जब वो फूला हुआ है तब तो यिन हो ही नहीं सकता। यिन डेफिशिएंट है, इसलिए उसको साइज यांग मेंटेन का नहीं। तो काम नहीं कर रहा, सोलन हो गया, यिन किसका बढ़ गया उसका साइज, साइज बढ़ गया? लीवर एरिया का, लीवर का एरिया का साइज बढ़ गया सर, वो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, यांग नहीं है। फंक्शन नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर फंक्शन नहीं कर पा वही रहा है, यांग फूल रहा है और वो सूज रहा है और वो मोटा हो रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि उसका स्प्लीन प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता नहीं दिख रहा है तो आंख बंद करके स्प्लीन ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो लीवर में हो चाहे वो हार्ट में हो। अगर ये हिस्सा सॉलन हो रहा है तो ये हिस्सा नॉर्मली किसका होता है? ये यहाँ से यहाँ तक जब आता है ये लीवर तब है, जब आपने लिया ये लीवर तब हो गया, तो दो लीवर तो हो नहीं सकते। दोनों साइड अगर फूल रहा है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो लीवर के अंदर ब्लड जो है वो कलेक्टेड है। जब वो कलेक्टेड है तो स्टैग्नेट हो रहा होगा, या ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन सही उसके अंदर नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से हीट बढ़ रही है, लीवर का फंक्शन हैम्पर हो रहा है। करेक्ट, बिकॉज स्टैग्नेशन में जनरली अगर ब्लड, रंग भी जो अगर लीवर के अंदर ब्लड स्टैग्नेट नहीं है, हम कह रहे केवल अभी प्रेजेंट कंडीशन ऐसी है कि वो स्टैग्नेशन नहीं है, लीवर के अंदर ब्लड इकट्ठा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा? हीट बढ़ाएगा? हाँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ जी आना चाहिए कि लीवर के अंदर सॉलन है, लीवर के अंदर हीट बढ़ रही है जो वो हार्ट को दे रहा है, तो लीवर के अंदर हीट क्यों बढ़ रही है? अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो लीवर की हीट को कम करेंगे ना, तो लीवर की हीट कम कैसे होगी? क्योंकि वहां पर अभी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ है। अगर खाली आप लीवर को ट्रीट करेंगे तो क्या होगा?
अगर खाली आप लीवर को ट्रीट करेंगे तो आज आपने ट्रीट किया आज सही है, कल आपने नहीं किया तो कल फिर से हीट है। रूट कॉज क्या है? स्प्लीन। तो स्प्लीन। जब आप रूट कॉज को ट्रीट करोगे तो ये ट्रीट हो जाएगा। जैसे आजकल हमारे दीनदयाल भाई हैं, वो परेशान हैं, वो एक दिन ट्रीटमेंट पूछते हैं, एक दिन उनको लीवर का ट्रीटमेंट बता दिया जाता है बबीता का, कि उनको जो अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो रही है, बट वहां से ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। पहले दिन के बाद दूसरे दिन आपको हीट कम करने के बाद स्टमक स्प्लीन को तो ट्रीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो ट्रांसपोर्टेशन तो वही करेगा, तब वो प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्व होगी। सर वो बार बार सही हो जाती है, दोबारा आ जाती है। सर तो इसीलिए तो आ जाती है, आज आपने हीट से डेट कर दी, हीट कम हो गई, लेकिन वो हीट का कॉज तो कम नहीं हुआ ना। जब कॉज कम नहीं हुआ तो फिर आ जाएगी वो। स्क्रीन का भी ट्रीटमेंट मैंने क्या स्क्रीन का पैंट को लगाया। जी कौन सा पॉइंट दीनदयाल, डाल? क्या ट्रीटमेंट दिया सर था एरिया का? सर मैंने मैंने क्या ट्रीटमेंट दिया था? आपने सर LI4 LI11 और और DU DU14 और DU20 और SP10 बस सर यही था। बोल रहा हूं तो बताया होगा, बिल्कुल 100% मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं? सर मैं अभी चेक कर लेता हूँ, हाँ चेक मैंने करो, जहां तक मुझे देखा तो इतने में ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्प्लीन स्टोमक सारी चीजें आ तो गई। सब कुछ तो कवर कर दिया उसमें। अच्छा और उसके बाद में जो दिया वो भी सुन लो, इसने देखा ही नहीं। LI4 LI11 और SP10 DU20 DU14 और हाँ वो एयर का दिया, एयर इफेक्ट तो फिर रेपेक्स तो हीट डार निकालेगा, में सर। सर हीट और यांग दोनों फंक्शंस को नॉर्मलाइज करेगा, तो ये रात सही हो गया था, सुबह फिर हो गया ये, फिर रिपीट करो दिक्कत दोबारा। फिर करा। पूरी ट्रीटमेंट रिपीट करो बॉडी में ना, हो रहा, पूरी बॉडी में हो रहा, मेडिसिन तो मैंने कोई दिलाई नहीं। ट्रीटमेंट रिपीट करना पड़ेगा, एक बार में थोड़ी हो जाएगा। इसको रिपीट करूँ बार बार? हाँ करना दिन में दो पड़ेगा, बार कर सकता हूँ क्या सर? टू टाइम कर सकता हूँ वनडे? तीन बार भी कर सकते हो। एक्यूट कंडीशन में आप तीन बार भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एवरी आफ्टर इन एवरी 1 आवर, हर 1 घंटे के बाद में ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। चलो करता हूँ सर मैं, सर तीसरा ट्रीटमेंट कर पे आ सकते जाए। हैं ना? ईयर इफेक्ट क्या? ठीक कोई नहीं, अभी छोड़ दो उसको, आगे बढ़ ले हम लोग। है सर, ओके सर। आगे आता है लीवर, हार्ट और साइड्स एंड हिप्स। जब ये तीनों चीजों की कंडीशन आ जाएगी तब क्या करना है? साइड्स दिखा रहे हैं लीवर में, सेंट्रल दिखा रहा है ये आपका टिप जो है वो दिखा रहा है हार्ट की कंडीशन। साइड्स और टिप दोनों चीजें आ गई, तो ये जब दोनों चीजें आएंगी तो ये हार्ट लीवर और दोनों चीजों में आएगा, ये हार्ट और लीवर में। तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका टिप जो होगी वो फायर केस में आ जाएगी, या आपका स्पून शेप में बना देगी, उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होगा। अभी जैसे प्रेजेंट कंडीशन में इसका जो फायर पार्ट है वो डाउन में जा रहा है, मतलब यहाँ पर लीवर अटैक कर रहा है हार्ट पे। जब हार्ट भी उसके साथ मिल जाएगा तो ये मिलके अटैक करेंगे स्टोमक स्प्लीन और लंग्स पे। अभी तो सर हार्ट उससे अलग चल रहा है इसलिए हार्ट नीचे झुका हुआ है। जब टंग को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हार्ट का हिस्सा जो है ये उठा हुआ नहीं है। जब ये भी उठ जाएगा इसी की तरह यहाँ पर ऐसे, तो ये तीनों मिलके ये शेप बन जाएगा स्पून का। और जब स्पून शेप आ जाएगा तो लीवर एंड हार्ट, कहा ये जाता है कि लीवर अटैकिंग स्टोमक एंड स्प्लीन, लेकिन होता क्या है, लिया लीवर अटैकिंग आपका लंग्स, बट होता ये है कि यहाँ पर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, क्योंकि लीवर जो है वो तो मदर है ना हार्ट की, तो सन तो मदर के सर संग ही चलेगा ना।
इसलिए अभी फाइव एलिमेंट में बोला बहुत जाएगा आने वाले हैं। सर, बोला जाएगा लिवर अटैक इन स्टमक स्प्लीन एंड हार्ट। नहीं, लीवर अटैकिंग या तो लंग्स पे होगा, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाएंगी कि जब ये हार्ट के बाद यहाँ लंग्स तक का हिस्सा आपका सॉलन मिलेगा, ये इतनी हिस्सा आपको वो मिलेगा, तब उस केस में क्या होगा, लीवर ने आपके इन दोनों पे कब्जा कर लिया है, हार्ट और लंग्स पे, फिर इसकी सेना बड़ी हो गई और इनने मिलके स्टोमक स्प्लीन को घेर लिया है। अब कंडीशन आपकी ये आ गई कि स्टोमक स्प्लीन का हिस्सा जो होगा ये दब जाएगा, ये ऊपर से उठ जाएंगे सारे, और ये हिस्सा बीच का जो होगा इधर का ये दब जाएगा। अभी मिलेंगे आपको आगे सब टंग्स मिलेंगी, अभी तो बेसिक समझा रहे हैं कि कहाँ पे कौन से एरिया को समझना है। अब चौथी टंग में जब देखेंगे तो हम केवल सेंटर पार्ट पर बात करेंगे, बाकी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। ये प्रॉब्लम तो आपको ये भी दिख रही है, बट इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। ये स्टोमक वाला पार्ट है सेंटर। सेंटर पार्ट पे जब आपको कोई कोटिंग में डिफरेंस, कोई कलर में डिफरेंस, कोई शेप में डिफरेंस, शेप का मतलब यहाँ पे हो सकता है टंग फूली हुई हो सकता है टंग पिचकी हुई हो, साइड्स फूले हुए हो, उन दोनों केस में, तीनों केस में हम स्टमक को कंसिडर करते हैं कि सेंटर जो है स्टमक स्प्लीन है। हालांकि सेंटर में आपका स्टमक ही होता है, स्प्लीन नहीं होता है। एक्चुअल में स्प्लीन आपका ऐसे होता है, ये सेंटर जो आता है ये आपका स्टोमक होता है, और स्टोमक के ये एरिया ऐसे करके जो आता है, जो लाइन आती है ये क्रैक, इसके नीचे आता है पैनक्रियाज। तो जब आपको कोटिंग कट मिले टंग में डेफिशिएंसी की, इन डेफिशिएंसी का, और उसके अंदर येलो कोटिंग ह्यूमिड हिवाली मिले, तो वो बताते हैं कि ये कंडीशन डायबिटिक है, या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। कोटिंग कट वाली मिले या टंग कट वाली मिले? सर सर थोड़ा सा रिपीट करना, वापस बताना। वाली मिले, जैसे ये हाँ डेफिशिएंसी की टंग जो होती हैं वो कट वाली मिले, जैसे ये बगल वाली टंग है, जी ये बीच में इसमें कट लगा हुआ है, जी इस हाँ कट जी के बीच में अगर यहाँ पर येलो कोटिंग अंदर डीप में दिखे, डीप तक, तो वो कंफर्म कर देगा कि इसको डायबिटीज है, बशर्ते इनने कुछ येलो टाइप का खाया ना उस समय। ठीक है, और वो कट काफी गहरा होगा क्या सर? गहरा तो वो जैसे जैसे डिजीज क्रोनिक होती जाएगी वैसे वैसे गहरा होता जाएगा। जी सर एक चीज पूछनी थी, और पूछो हमारे पूछो। अगर टीथ मार्क आते तो हम स्प्लीन की डिफिशेंसी बोलते हैं, जब उस टाइम पर वो स्प्लीन हम साइड में लीवर के एरिया में देखते हैं, तो मतलब क्या होता है जो उसका, भी टंग आपने फ्लैबी है और ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यहां भी तो मैंने कहा ना कि यहाँ रूट कॉज क्या है, रूट कॉज तो स्प्लीन ही है। ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो तो हम तब भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। अगर कहीं पे भी टंग में सॉलननेस, जैसे तीसरी टंग है ये चौथी, इसमें भी तो सॉलननेस है पूरी टंग में, तो इसका मतलब है इसकी स्प्लीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। बट यहाँ पे हम फोकस स्टमक, सर वो बात नहीं पूछ रहा मैं, सर ये पूछ रहा हूँ, अभी आपने यहाँ पे इसका स्क्रीन का एरिया ये बता दिया जो अभी आपने मार्क किया, अभी स्प्लीन का तो एरिया में, अगर हम उसको अभी तो हम हार्ट और लीवर के एरिया पे और स्टोमक पे आए हैं, स्प्लीन तो अगले पे चैप्टर पे पहुंचेंगे तब आएंगे, अभी आने तो दो वहां तक। अभी सर आपने स्टोमक स्क्रीन बताया ना मार्क करके स्टोमक स्प्लीन मार्क करके बताया कि स्प्लीन का एरिया वो होता है, बट हमें जब स्प्लीन से स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम देखनी है स्प्लीन के फंक्शन की, तब हम उस एरिया को देखते हैं। स्प्लीन का फंक्शन तो आपको नॉर्मल टंग पे ऐसे ही दिख रहा है कि उसका ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन वीक है, तभी तो टंग इतनी फूली हुई है, नहीं तो टंग फूली हुई क्यों होती।
है। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये लिवर साइड्स जो है सेकेंड वाले पिक्चर, एक्चुअली ऊपर जो ड्राइंग है उसके हिसाब से थोड़ी सी फूली होनी चाहिए, ये ज्यादा फूली हुई के नीचे वाली ज्यादा फूल, टंग। ये फूली हुई नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये ऐसे एरिया जो इतना यहां से यहां तक जब आएगा तो हम उसको लीवर की तरह कंसीडर करेंगे। ये ऐसे, अगर ये यहां से यहीं तक की स्वेलन होती तो हम इसको लीवर कंसीडर नहीं करते, इसलिए उनने यहां से यहां तक पूरी जो दिखाई है वो इसलिए दिखाई है। ठीक है, आगे बढ़े। सर एक सेकेंड, हाँ सर एक सेकेंड सर, सर जैसे आप ये अपनी स्वेलिंग का बताया कि ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो अगर टंग के किसी भी पार्ट में एक अलग सा स्वेलिंग हो तो क्या वो चीज देखा जाता है कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्वेलिंग अगर टंग सर पे है आपकी। तो आपका स्प्लीन इन्वॉल्व है ही है, हाँ जी, हाँ जी, ओके, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लीन की ही है। किसी भी ऑर्गन से अगर उसको लेके जाना है तो वो स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट हुए बिना नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन, राइट सर, चाहे स्टोमक से फूड भी आगे बढ़ाना है तो वो भी काम स्प्लीन का ही है। आगे बढ़े। हाँ जी, अब आते हैं स्टोमक स्प्लीन एंड साइट्स इन द सेंट्रल सेक्शन। पहली टंग देखिए, पहली टंग आपको क्या दिखा रही है, ये लीवर जैसी स्वेलिंग है क्या? अब अगर हम जब इसमें लीवर देखेंगे तो लीवर ये दिख रहा है, ये स्क्रीन यहां एरिया स्वेलन। यहां तक, ये लीवर यहां से यहां तक जो है ये आपका स्प्लीन है। इस केस में अगर हम देखेंगे तो ये आपका लीवर है और ये आपका स्प्लीन है। हाँ बोलिए, कुछ बोल रही थी। स्प्लीन का एरिया पूरा इतना लंबा चलेगा क्या? क्या सिर्फ बीच में 1/3 होगा, बीच वाला हिस्सा ही होगा? सही कह रहे हैं आप। सर अब तो कंफ्यूजन हो गया सर। हाँ ये लीवर पैर, लीवर सेकंड एक्चुअली वाली लाइन, बड़ी वाली लाइन लीवर दिख की। रहा है ये आपका स्प्लीन का आ जाएगा, जी, अब सही ये हुआ, लीवर। हिस्सा जो है ये लीवर का ही रहेगा ये आगे तक है। तो अब यहां पर एक टंग जो स्वेलन दिख रही है ये आपके स्प्लीन की वजह से दिख रही है, और ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है ये लीवर है। अब स्प्लीन और लीवर बहुत सारी जगहों पे इंटरचेंज भी होंगी, अभी आगे कैसे होंगी वो भी दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का चैप्टर है, कहाँ पर चेंज होती हैं ये बल्जीनेस यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी दिखा रही है स्प्लीन, ये आ गया लीवर। अब कोई ये बता सकता है कि इस एरिया में ये जो बल्जीनेस है ये किस वजह से है? स्टैग्नेशन भूल जाओ अभी स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ाया ही नहीं स्टैग्नेशन। बेसिकली यंग डेफिशिएंसी होगा तो स्वेलिंग होगी, अगर ये बल्जी, यंग डेफिशिएंसी। अगर ये बल्जीनेस है और ये सोलन है, किसकी वजह से क्या है? ये बल्जीनेस हुई उसकी वजह से ये सोलन हुआ, या ये सोलन हुआ इसकी वजह से ये बल्जीनेस है? सब सब स्प्लीन वर्जिनस हुआ इसलिए ये लीवर सोलन हुआ, स्प्लीन क्योंकि वो में ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही सर नहीं, स्क्रीन स्प्लीन ने में। अपना काम अच्छा नहीं करा था, इसलिए लीवर में वो प्रॉपर उसका वर्क हुआ नहीं, लीवर का फंक्शन। अगर स्प्लीन ने अपना काम नहीं किया तो लीवर में सॉलननेस आई, उस सॉलननेस हाँ की जी वजह हाँ से जी लीवर में हीट बढ़ी, जिसकी वजह से ये बल्जीनेस इसके नीचे दबने की वजह से हुई। ये लीवर का एरिया ड्राई हो रहा है और ये एरिया बल्जी हो रहा है। क्लियर है ये? नहीं नहीं है, है कि नहीं है? बार वापस बता दो सर। क्या वापस बता दें? वापस बताने के लिए लग रिपीट करना है तो रिपीट तो क्लास की रिकॉर्डिंग सुन ही लेना। सर आप इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि स्प्लीन बिकॉज अपना काम नहीं कर रहा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, अपना काम नहीं करने के कारण लिवर में स्वेलिंग आ रहा है और वो स्वेलिंग आने से वहां ड्राइनेस क्रिएट हो रहा है एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। ड्राइनेस क्रिएट हो रहा है क्योंकि हीट बढ़ रही है और वो हीट क्योंकि ही बढ़े स्प्लीन में ही दिख रही है। अगर लीवर में हीट बढ़ेगी तो ब्लड में हीट आएगी ना, और स्प्लीन के पास तो ब्लड का पूरा वो है, तो ब्लड में हीट आ जाएगी। सर ऐसे आई तो अगर हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा तो किसको ट्रीट करना पड़ेगा? स्क्रीन को सर स्प्लीन, साथ में लीवर भी ले लेंगे। स्प्लीन को तो करना होगा, साथ में लीवर को भी करना होगा, क्योंकि जब तक हीट को रिड्यूस नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफॉर्मेशन हैम्पर रहेगा। हम लोग TW6 पे जब निडल करते हैं तो उसका भी तो यही काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है। अब अगर इसी में सेकेंड टंग देखी जाए तो सेकेंड टंग आपको क्या दिखा रही है? इंजन सर की क्लास तो हम आधी खा गए। विजयन सर की क्लास कल से हम पहले विजयन सर की करेंगे, नहीं तो इस क्लास में तो टाइम ही नहीं पता चलेगा। सेकेंड टंग में इसको बता दें, फिर उनको दे देते हैं। ये आपकी स्प्लीन आ गई, ये रेडनेस जो यहाँ आ रही है, सॉलननेस जो यहाँ आ रही है, ये किस वजह से आ रही है? और ये क्रैक क्यों क्रिएट हुआ, क्यों इसकी कोटिंग चली गई? ये चलो इसको तो आगे पढ़ते हैं, अभी हम इतना समझते हैं। ये एरिया जो है ये हमारा स्टोमक स्प्लीन, स्टोमक नहीं स्प्लीन है, स्टोमक तो हमारा ये, स्प्लीन ठीक है। लंग्स हम लोग समझ ही चुके हैं कि ये जब बड़ा हिस्सा आ जाएगा तो लंग्स हो जाएगा। अगर हम टंग को तीन पार्ट में डिवाइड करें, फर्स्ट पार्ट जो हो गया वो लंग्स आ गया। अगर हम इतने से पार्ट को डिफाइन करेंगे तो ये हार्ट की बात होगी, लेकिन अगर लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो ये हार्ट की हमें दिखेगी ही नहीं, क्योंकि लंग्स उसको कवर कर लेगा। सर अगर क्लियर? किसी पेशेंट को हार्ट किसी हाँ पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम भी है लेकिन लंग्स के प्रॉब्लम के कारण वो कवर अप हो गया सो विल नॉट कम टू नो अबाउट द हार्ट प्रॉब्लम। अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और लंग्स का प्रॉब्लम भी है तो उसमें से एक ऑर्गन तो ऐसा होगा ना जो रूट कॉज होगा। क्या होगा सर? भाई तो मैं पूछ रहा हूं, अगर आपके हार्ट और लंग्स दोनों में प्रॉब्लम है तो कोई तो होगा जिसको पहले प्रॉब्लम हुई होगी, दोनों को एक साथ तो नहीं हुई होगी। लेकिन हमारा लंग्स तो कवर कर रखा है उस एरिया को तो हाँ पहले का पहले या बाद का तो पता ही नहीं चला क्योंकि हमने तो टंग अभी देखा है पेशेंट का। स्लाइड्स पहले मैंने कुछ और थोड़ी ना कहा था, यही तो कहा था कि अगर कोई डिजीज पहले हुई है तो वो दिखेगी, तो बाद में हुई है वो सबसाइड हो जाएगी।
अगर हम बात करें यहाँ पर, जब हमने बात करी थी, ये यही तो कहा था हमने, द टंग डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए कंडीशन इन लीवर ब्लड डेफिशिएंसी विद द लीवर चीज स्टैग्नेशन, द टंग विल ऑफन रिफ्लेक्ट द फॉर्मर बट नॉट द लेटर। ये तो बात मैंने बहुत पहले कह दी थी, इसी के लिए तो आपको मैंने कहा कि पल्स भी पढ़नी जरूरी है। ये कंडीशन आपको पल्स आइडेंटिफाई करके डिफ्रेंशिएट कर पाएगी। ऐसा नहीं है खाली अमित सर से पढ़ के काम चल जाएगा, विजेंद्र सर से भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, सही बोल रहे हैं सर। दोनों चीजें जाननी जरूरी है, तब आप प्रॉपर डायग्नोस कर पाएंगे। दोनों चीजों के संग आपको फेस स्मेल, स्पीकिंग, कैसे बोल रहा है, सभी चीजें ऑब्जर्वेशन में भी करनी है और उससे पूछना भी है, इंटेरोगेशन। ये सारे ही मेथड जब आप यूज करेंगे तब आपकी परफेक्ट डायग्नोस निकलेगी। आज की क्लास यहीं रख देते हैं, यहीं तक। विजयन सर को दे दें आधी तो क्लास, हमने उनकी वैसे ही खत्म कर दी।